दोस्तों नमस्कार। और मैं बात करूं तो यहाँ पर आज इस वर्चुअल स्टेज के माध्यम से मैं आज आपसे 1 घंटा बात करने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे भी मुकेश सर ने बोला कि आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही जबरदस्त, और मैं बोल सकता हूँ कि एक जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला एक ऐसा प्रोग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, जैसा कि हम लोगों ने बोला था। और अगर मैं बात करूँ तो हम डेली, हमारा कंज्यूमर बेस्ड प्रोग्राम होता है, आपके जो भी कंज्यूमर्स हैं या जो लोग अभी इससे पहले लोग ज्वाइन थे इस वेबिनार के अंदर, उन लोगों के नेटसअप के प्रोडक्ट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका क्या एक क्वालिटी होती है, तो या कैसे उसको हम जो ना कि अपने दैनिक जीवन में उनको काम में ले सकते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आराम से एक जगह स्थिर होकर के बैठे। लेकिन इस प्रोग्राम को चालू करने से पहले मैं मेरा परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा कि मेरा नाम रामनिवास सैनी है और बेसिकली मैं जयपुर से अभी आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर 1 घंटा मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, लेकिन 1 घंटा जो मैं बात करूंगा तो यहां पर मुझे आप लोगों का जो सपोर्ट चाहिए, जिसकी मैं बात करता हूं हमेशा। आज हम लोग बात करेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा ऐसी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ कि जो आज इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे महत्वाकांक्षी जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आज के बाद इस प्रोग्राम के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से 1 घंटा बात करूं, इससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो सहयोग, आपका जो मदद तो मुझे चाहिए। यहाँ पर आपका अपना जो मोबाइल है उसका वॉल्यूम म्यूट करके रखें और साथ में आप प्रॉपर कानों में ईयरपिन वगैरह लगा कर बैठे। और मैं बात करूंगा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं और मैं देखा कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं। गर्मी का टाइम भी है, देखिए इसमें भी कोई शक नहीं है, बाहर गर्मी का टाइम भी है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ जगह पे लाइट नहीं, लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है ना कि बिल्कुल घर के अंदर बैठे हुए। लेकिन ग्रुप में जो लोग बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीच में बातें नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूंगा, आपके सारे आपके जो बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहेंगे उनका हर एक का जवाब आपको इस वेबिनार के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और आप लोगों से मैं बोलूंगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप डायरी और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि जब आप अपने जीवन के अंदर अगर कोई बदलाव करना चाहते हो और रियल में आज आपको डिसीजन करना है कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के अंदर रियल में अगर आप इसको समझ करके और अपने जीवन के अंदर कोई डिसीजन करके और आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मतलब आप आने वाली अपने जो जनरेशन है उसको इस बिजनेस को देकर के जाना चाहते हैं, ऐसी एक करियर अपॉर्चुनिटी में आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। तो इसको आपको नोट करना बहुत जरूरी है, आप डायरी और पेन साथ में लेकर के बैठे। तो आज सभी लोगों का मैं इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का इस नेटवर्क के बीच में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम जो आज आप लोगों के बीच में जो लेकर के आया हूं, उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के अंदर, मैंने अभी बोला कि जो अपने जीवन के अंदर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन के अंदर अपना बोल सकते हैं कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, या एक ऐसे बिजनेस की तलाश में है जहां पर वो अपना ड्रीम पूरा कर सकता है, ऐसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोगों के लिए यहां पर लेकर के आया हूं। तो यहां पर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, क्योंकि एक सर्वे जो मैंने कभी पिछले 2 दिन से मैं बहुत एक बड़ी बुक की स्टडी में कर रहा था, मैंने कुछ यूट्यूब के ऊपर देखा, कुछ मैंने ऐसे आंकड़े देखे, यहाँ पर सर्वे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम इंडिया की जो बात करते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा कि हर एक इंसान अपने जीवन में कभी तो एक दिन खुद का बिजनेस करने की सोचता है, मतलब कभी तो एक दिन खुद का बिजनेस करने की सोचता है, लेकिन शायद वो उसकी सोच सोच में ही बनी रहती है, शायद वो कभी आगे उसको उस सोच को आगे नहीं बढ़ा पाता होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, सोचना एक अलग बात है और सोच को इंप्लीमेंट करना शायद वो एक दूसरी बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे सामने जो आंकड़े जो मैंने देखे उनके आंकड़ों की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते तो है बिजनेस करने की, लेकिन शायद उनका डिसीजन पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो शायद उनके जीवन में, या शायद अगर मैं बात करता हूँ तो जो डिसीजन की जो मैं बात करता हूँ, लेकिन डिसीजन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के उनके एक ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, शायद जहां पर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते होंगे, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जिसकी वजह से वो खुद का बिजनेस कर सके। और अगर यहाँ पर बात थोड़ी आगे बढ़ाते हम यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि हर एक बिजनेस के अंदर, कोई सा भी बिजनेस आप देख लीजिए, मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक का बिजनेस, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बिजनेस कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अगर दिल से किसी बिजनेस को किया जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उसके अंदर मतलब दिल और जान से उस बिजनेस को अपनाना पड़ता है, और दिल और जान से अगर उसको आप अपना के करते हैं तो गारंटेड उस बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलती है। लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए भी माय डियर अनुभव की जरूरत होती है, उसको अनुभव लेना पड़ता है। और मैं बात करता हूँ आज के दौर के अंदर,
क्योंकि ये जो लोग हैं जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि वो खुद का बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद आज के दौर की अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, मतलब जिस तरह का जो कंपटीशन है आज के टाइम पर, वो बहुत जबरदस्त तरीके से कंपटीशन है, जहां पर शायद उसका डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाता होगा। और अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूंगा तो मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि शायद ये मेरे पास इतना स्टॉक आएगा, मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, उसके लिए गोडाउन लेना पड़ेगा, और फिर कितना माल आया, कितना गया, कितना बिलिंग हो गया, कितना इन्वेंट्री मेरे पास, मतलब इतना सारा सब कुछ वो लोड शायद वो नहीं झेल पाता, जिसकी वजह से भी शायद उसका प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता। और अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो आता है, सबसे बड़ी जो बात आती है इस बिजनेस के अंदर, वहां पर हर व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आज के टाइम पर और विशेषकर इस दौर के अंदर लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट और जो लॉस जिसकी हम लोग बात करते हैं ना, इसको सोच करके, क्योंकि आज देख पा रहे हैं कि हम किस तरह का जो इंडस्ट्री जिस तरह से चल रही है वह बहुत मतलब बुरा हाल है इस बिजनेस को लेकर के। तो यहाँ पर शायद वो आदमी अपने लाभ और हानि के बारे में सोचता है कि किस तरह का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और अगर भाई अगर लॉस हुआ तो शायद मैं क्या कर पाऊंगा। और अगर मैं बात करता हूँ तो शायद कुछ लोग तो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन शायद वो टाइम के अभाव में शायद उनके पास इतना टाइम नहीं है, या वो पार्ट टाइम अगर कुछ सोचे तो शायद वो कहीं ना कहीं जाकर के इस टाइम को लेकर के भी वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा जो रोल जो देखने को मिलता है ना, हर व्यक्ति की बात करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान की बात करता हूँ जो एक बहुत बड़ी रिस्क लेने से डरता है। और बिजनेस के अंदर मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत बड़ी रिस्क होती है, जिसकी वजह से आज हर व्यक्ति शायद वो डिसीजन नहीं कर पाता, केवल सोच करके रह जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, जिस सर्वे की जो मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि भारत में केवल 5% युवा हैं जो अपने बिजनेस के बारे में, यानी कि बोल सकता हूँ कि अपने बिजनेस को रेगुलर, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद रेगुलर 42 महीने से ज्यादा चला पाते हैं। मतलब स्टार्ट कर दिया बिजनेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल आंकड़ा आप लोगों की आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आज जो लोग हैं जो यहाँ पर जिस बिजनेस की जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, या जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, आज भारत के अंदर सक्सेस लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो ओनली 5% यूथ जो है वो आज अपने बिजनेस को यानी कि 42 महीने तक उसको कंटिन्यू रन कर पाता है, और धीरे धीरे करके उसके बाद में उसकी स्थिति क्या होती है शायद उसका कुछ अलग रोल होता है। मैं बात करता हूँ 95% लोग 95% की मैं बात करता हूँ 95% लोग फेलियर हो जाता है। सोचिए आप, केवल 5% लोग, वो भी मात्र 42 महीने तक उस बिजनेस को आगे रन कर पाते हैं, कोई एक साल, कोई दो साल, कोई तीन साल, चार साल, पांचवें साल में जाकर के शायद कहने की जाकर के वो बिजनेस उनका बंद हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँ, जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं इन आंकड़ों की मैं आपको बात करना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि वैश्विक स्तर पर इन आंकड़ों की जो मैं बात करता हूँ वो बहुत कम है, वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूँ, वहां पर जाकर के बहुत कम है। लेकिन अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं तो भारत में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर के हम बात कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा आपको उन कारणों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कारण मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसको लेकर के लोग शायद अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, शायद लोग उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठा करके वो छोड़ देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण आता है 7% लोग जहां पर वित्तीय, मतलब जो मुख्य जो समस्या आती है वो है 7% वित्तीय समस्या। और अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो उनका खुद का पर्सनल कारण, जो यहाँ पर मैंने लिखा कि 6.5% तो इनका खुद का पर्सनल कारण होता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो तीसरा यहाँ पर जो मुख्य जो कारण देखने को मिलता है वो है आज के टाइम पर बिजनेस के अंदर अस्थिरता, मतलब कोई भी बिजनेस आज स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा कि यहाँ पर 16.9% जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर बिजनेस की अस्थिरता को दर्शाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो जो अन्य रीजंस जो आते हैं इसके अंदर बहुत सारे कारण आते हैं, बहुत सारे मार्केट का इनका बहुत सारा उतार चढ़ाव जो देखने को मिलते हैं उनको लेकर के मैं बात करता हूं तो वहां पर 58.4%, मतलब आज जो मार्केट में जिस तरह का जो रीजन है जिसको लेकर के जो 42 महीने बाद जिस तरह का जो बिजनेस जो फ्लॉप होता जाता है, इनका जो मुख्य कारण जो मैंने लिखा कि ये आंकड़े ये प्रैक्टिकल आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, प्रैक्टिकल आंकड़े सर्वे के आंकड़े जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। लेकिन मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाना चाहता हूं, मतलब ये सब मैंने आपको दिखाया कि 95% लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन पेट तो भरना ही पड़ता है, हर आदमी परिवार को तो पालता ही है, हर व्यक्ति के ड्रीम तो होते ही, हर व्यक्ति का सपना भी होता है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन का भी होता है, गाड़ी, मतलब बात करता हूँ एक अच्छा सा परिवार के अंदर, समाज के अंदर एक अच्छा सा स्टेटस होना चाहिए। तो लोग ये पैसा यानी ये सब कुछ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ता है, मतलब रुपये कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आदमी को कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको दूसरी बात बोलूंगा कि हमने देखा यहाँ पर मार्केट के अंदर हम लोग देखते हैं खेती करते हैं, परंपरागत जो खेती जिन लोगों की चलती आ रही है, ये तो क्योंकि वंशानों के चलती आती, थोड़ी बहुत जमीन है घर के अंदर, हम उसमें लगे रहते हैं,
प्रॉफिट इन जो लॉस होता है उसकी सेकेंडरी बात उसको हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन रेगुलर हम उसके अंदर लगे रहते हैं, उसके अंदर उस काम के अंदर बच्चों को हम उसमें लगा के रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अगर किसी के नहीं है तो छोटी मोटी हम लोग दुकान डालते हैं, दुकान आसपास में आजू बाजू में मैंने देखा बहुत सारे लोग पेंचर की दुकान डाल रहा है, कोई पान बीड़ी की दुकान डाल रहा है, कोई किराना की दुकान डाल रहा है, कोई गारमेंट्स की दुकान डाल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अपनी आजीविका को चलाने के लिए हम कोई दुकान खोलते हैं या कोई ना कोई मजदूरी करते हैं, और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर नौकरी करते हैं, मतलब ये ऊपर सब किसी के नहीं है तो वो क्या करेंगे, मतलब कोई ना कोई प्राइवेट जॉब की तलाश करेंगे, प्राइवेट जॉब है या कोई गवर्नमेंट जॉब है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो प्राइवेट जॉब की तलाश में जो लोग रहते हैं, जो प्राइवेट जॉब को तलाशते हैं, उन लोगों के लिए और विशेषकर अगर आज इस प्रोग्राम के अंदर जो भी मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आज जिस तरह का जो माहौल जो बना हुआ है मार्केट के अंदर, प्राइवेट जॉब के अंदर, विशेषकर मैं प्राइवेट जॉब की बात करता हूँ, जहां पर अपने आप को लोग जाना कि मैंने देखा कि 5,000 के अंदर, 8,000 के अंदर, 10,000 में, 12,000 के अंदर, मतलब अपने आप को खुद को हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी लोग अपने आप को 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में अपने आप को बेच रहे हैं और 10-10, 12-12 घंटे बेच रहे हैं। आप सोचिए 10-10, 12-12 घंटे अपने आप को बेच रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये आज उन लोगों की स्थिति है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ नौकरियों की स्थिति क्या है मेरे दोस्त, आप देखना यह आंकड़ा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर थोड़े दिन पहले अखबार की कटिंग है मेरे पास में, यहाँ पर दैनिक भास्कर की, जो यहाँ पर बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, वन पालक की वैकेंसी है जहां पर मैं बात करता हूँ 2,399 पद, और जिनके लिए 22 लाख लोगों ने आवेदन किया। मतलब क्या, 2,399 पदों के लिए 22 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इनमें भी जो मैं इसको मैं बोलता हूँ कि बहुत वेल एजुकेटेड लोग जो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करते हैं, मतलब क्या हुआ, एक पद के लिए 917 लोग लाइन में है। अरे आप सोचो किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, अरे आप सोचो कितने लोगों के यहाँ पर नंबर आएगा। और चलो यहाँ पर जैसे मोटा मोटा हम लोग मान के चलते हैं कि 900 लोगों पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग क्या करेंगे। अरे बाकी लोगों की स्थिति देख के रोजाना अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि शिक्षित बेरोजगारों की जो लाइन है, जो फौज है, जो खड़ी है, वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि आज उनके साथ क्या स्थिति है। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी मिस हैपनिंग जो हम लोगों को देखने को अखबारों में मिलती है, मतलब आज ये हाल हमारे इन नौकरियों को लेकर के। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट, आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को समझना है कि क्या हम अगर बात करें, और आज के दौर के विशेषकर आज के सिनेरियोज की अगर हम लोग बात करते हैं, और विशेषकर इस कोविड के बाद की हम लोग बात करते हैं, तो मैं आपको एक और खतरनाक सीन आपको दिखाना चाहता हूं। मतलब जहां पर ये मैंने आंकड़े जो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, जब ये कोरोना आया था उसके बाद ये स्थितियां और भी विकराल रूप ले चुकी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज शिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे नौजवान, वेल एजुकेटेड लोग मैंने देखा रोजाना अखबारों के अंदर चोरियां करते हुए मिलते हैं, मैंने देखा कि वो डकैती डालते हुए मिलते हैं। देखो कभी कोई इसका गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, इसका फोर व्हीलर का कभी टायर खोलते हैं, कभी उनका पेट्रोल चुरा रहे हैं, अरे ऐसे कोई दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं। मैं आज आपको बोल रहा हूं, मेरी बात का अदरवाइज मत लेना, लेकिन मेरा यह कहने का मतलब क्या है कि आज इस तरह का माहौल जो कोविड के बाद में बना हुआ है, बहुत खतरनाक माहौल है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, क्या ये दौर हम सब लोग देख पा रहे हैं, हम समझ भी रहे इस चीज को, और उसके बावजूद भी हम अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अगर हम थोड़ा सा अपनी सोच के अंदर बदलाव कर लें और इस दौर को समझ करके, इस दौर से थोड़ा हटकर अगर हम सोचें, तो क्या हम जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। तो 100% कर सकते हैं माय डियर, मैं आपको बोल रहा हूं 100% हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आज आप लोगों के लिए ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको आज आपको समझना है। मैं बात करना चाहता हूं यहां पर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने स्टार्टिंग बोला कि हर व्यक्ति चाहता तो है कि मैं खुद का बिजनेस करूं, खुद बिजनेसमैन बनूं, लेकिन क्या आज के टाइम पर ऐसा अवसर उसके सामने है। मैं आपको यह भी बोलूंगा कि 100% उसके सामने ऐसा अवसर है। और आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हो और खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो एक ऐसा ही अवसर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और ऐसी इंडस्ट्री जिसका नाम बहुत सारे लोग आज शायद पहली बार सुनेंगे, और शायद हो सकता है बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते भी होंगे, लेकिन जो आज मेरे सामने इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम केवल उन्हीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए था, तो शायद इस प्रोग्राम के अंदर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और वो पहली बार जो नाम सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जहां से आप इस बिजनेस को अपने आने वाली पीढ़ी को देकर के जा सकते हैं। ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आप लोगों के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से लेकर के आया हूं। तो बहुत सारे लोग जिसे मैंने बोला कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ये प्रोडक्ट वितरण प्रणाली है, मतलब एक अच्छे उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए उसका एक सिस्टम है। तो अभी आप बोलोगे कैसा, आज से पहले हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा था क्या, आपको नया सिस्टम लेकर के आया हो क्या। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं कोई भी नया सिस्टम आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आया, केवल मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद हो सकता है कि आपने इसको पहली बार सुना होगा, शायद हो सकता है कि आपने पहले सुन रखा होगा, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाए होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं,
आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद आप इसको समझ नहीं पाए होंगे, और ये समझ का ही फर्क होता है जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं कर पाते हैं। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है ये प्रोडक्ट वितरण प्रणाली, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब तक जिस सिस्टम का हम लोग हिस्सा है, या मैं हूँ या मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, हम लोग जिस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, यानी जिस बिजनेस का हम लोग हिस्सा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय। और इस परंपरागत व्यवसाय में दोस्तों होता क्या है, एक कंपनी होती है जो एक किसी एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाती है, और वो प्रोडक्ट एक कोई उपभोक्ता जो उसको काम में लेता है, ये कंपनी सीधा उपभोक्ता तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचाती है। परंपरागत व्यवसाय की मैं बात करता हूँ, इस उपभोक्ता तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, जिनकी अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर रिटेलर्स होते हैं जो इस प्रोडक्ट को आसपास के लोगों, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, या आपके आसपास में कोई रिटेलर्स बैठा होगा जो आप तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाता है, और इस रिटेलर्स के ऊपर होलसेलर होते हैं, और अगर मैं बात करता हूँ इनके ऊपर एक स्टॉकिस्ट होते हैं। ये सब जो बीच के जो लोग हैं, जो बीच की कड़ी है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को इन लोगों तक पहुंचाते हैं, जो बहुत बड़ी पूंजी लगाकर इस व्यापार को करते हैं, बहुत बड़ी रिस्क लेकर के बैठते हैं। मैं बात करता हूँ लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बैठते हैं इनको, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर दुकान वगैरह या टेलीफोन व्यवस्था इसकी इनको करनी पड़ती है। लेकिन मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसको समझने की जरूरत है, उसको समझना, मैं इसके बिल्कुल अपोजिट बात करता हूँ, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो मैं आज आप लोगों के लेकर के आया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर भी होता क्या है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, एक कंपनी होती है जो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और एक हमारे उपभोक्ता होते हैं जो इस प्रोडक्ट को काम में लेते हैं, और इन उपभोक्ताओं को इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए यहाँ पर, यानी कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कौन होता है, यहाँ पर एक रिटेलर होता है, और रिटेलर के ऊपर उसकी मैं बात करता हूँ एक डायरेक्ट सेलर होता है। तो बीच की जो कड़ी है, दो लोग हैं, डायरेक्ट सेलर और रिटेलर, ये इस उपभोक्ता तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि केवल सोच का फर्क और कोई फर्क नहीं है, ऊपर जो मैंने लिखा कि इसमें ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर जो बिचौलिए हैं वही यहाँ पर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। यहाँ पर केवल नाम का फर्क है, सोच का फर्क है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन एक जो मेजर जो फर्क है जिसकी मैं बात करता हूँ, ऊपर वाले यानी कि परंपरागत व्यापार के अंदर बहुत बड़ी पूंजी और बहुत बड़ी रिस्क लगा करके लोग बैठते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर कोई किसी प्रकार की इसमें रिस्क नहीं है। माय डियर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री का, जैसे अभी मैंने बोला कि आप इस बिजनेस को अपनाओ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इस बिजनेस इंडस्ट्री का स्कोप है क्या, तो माय डियर आपको ये बोलना, बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप। मतलब आज हम वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं, ये आंकड़े मेरे पास में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो आबादी, वो 32 करोड़ की आबादी के अंदर, मतलब केवल 32 करोड़ की आबादी के अंदर इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर जाता है वो जाता है 2,12,550 करोड़ का। और इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के अंदर आप देखिए, जो हमारी इंडिया की जो आबादी है वो 132 करोड़ की आबादी है, 132 करोड़ की आबादी के अंदर आज इस इंडस्ट्री का जो योगदान है वो 7,800 करोड़ का इसमें जो इंडस्ट्री यहां पर टर्नओवर करती है। सोचो कितना बड़ा स्कोप है। और अभी तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन आज के बाद ये इंडस्ट्री बहुत तीव्र गति से इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव, मैं आपको बोल सकता हूँ 2025 तक बहुत बड़ा जबरदस्त काम इस इंडिया के अंदर होने वाला है, क्योंकि अब भारत सरकार ने इसको रेगुलाइज कर दिया है, इसके ऊपर कानून बना दिया है, इस इंडस्ट्री को एक रेगुलेटरी में बांध के रखा है कि आज के बाद कोई भी कंपनी किसी भी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर सकती। उस उपभोक्ता को उसको एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको देना पड़ेगा, और खुद का बल बहुत सारे इस कानून के अंदर इसमें बातें गवर्नमेंट ने बोला है। तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब वही कंपनियां काम करेंगी जो अच्छी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो काम करेंगी वही कंपनी मार्केट में टिकेगी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं 100% हम अपना फ्यूचर इस इंडस्ट्री के अंदर बना सकते हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किस तरफ, देखिए अभी मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो बनाया क्या, तो बनाया, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अब इसके अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग इसकी इंडस्ट्री के अंदर आने चाहिए। तो अभी जैसे अभी आप टीवी के ऊपर देख, मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, मतलब ये आज तक टीवी जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है उसके ऊपर, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि हमारे जो देश के युवा जो लोग हैं पीएचडी करने के बाद गोबर उठाते हैं, अरे उससे अच्छा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करें। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की हर स्कूल के अंदर, हर मतलब क्लास के अंदर इसका सब्जेक्ट, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर इसके सब्जेक्ट्स इसके चालू हो चुके हैं, इसकी क्लासेज चालू हो चुकी हैं, इसके अंदर डिप्लोमा डिग्रियां चालू हो चुकी हैं। और आने वाले टाइम पर शायद गवर्नमेंट ऐसा करे कि इस इंडस्ट्री के अंदर केवल डिप्लोमा डिग्री वालों को ही एंट्री मिले। मैं आपको बोल सकता हूं कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, केवल इसका समझ का फर्क है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ा मेरी बात को समझना, मतलब क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विशेषताएं क्या, तो आपको यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर यानी कि हम खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम, जो लोग यहाँ पर कुछ दूसरा जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा इनकम, उसके अलावा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। आप फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, आप यानी मैं तो आपको बोलूंगा कि आप फुल टाइम एज ए करियर आप यहाँ पर करें, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और कम लागत में, यानी कि इसमें कोई लागत नहीं है, लागत इसके अंदर जीरो है, और किसी प्रकार का कोई अन्य कोई यहाँ पर इसका अन्य कोई खर्चे नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ आप इस बिजनेस की शुरुआत कहीं से भी, आप अपने घर से, अपने ऑफिस से,
कहीं से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इतना शानदार, इतना जबरदस्त इंडस्ट्री है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कौन कर सकता है, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ आप सभी लोग, मतलब आज आप जो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर सभी लोग बैठे हो, यहाँ पर 172 लोग मेरे सामने हैं, आप सभी लोगों के लिए और आपके सोशल सर्कल में जो भी लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में जो भी लोग हैं, यानी जैसे अभी मैंने लिखा शिक्षित बेरोजगार लोग, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर जो सर्विसमैन लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो सेल्समैन है जो अभी कहीं ना कहीं जाकर के वो जॉब कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो हमारी गृहणियां हैं, मैं बात करना चाहूंगा सेवानिवृत्त लोग हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं। हर एक व्यक्ति के लिए इंडस्ट्री ओपन है, हर एक व्यक्ति के लिए इंडस्ट्री ओपन है। इतना एक शानदार अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री का जो आप लोगों के लिए लेकर के इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। लेकिन माय डियर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी, जैसा कि आपने समझा, और 100% इसके अंदर आज के टाइम में बोल सकता हूँ, जब ये कानून आया उसके बाद में क्या इसमें करियर बन सकता है क्या, तो 100% करियर बन सकता है। लेकिन आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति के सामने एक संशय ये पैदा करता है कि क्या ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर क्या ऐसी कोई कंपनी है जो लीगल और इथिकल कंपनी हो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये क्वेश्चन क्यों आता हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि अब तक हमने जो माहौल जो मार्केट के अंदर देखा हुआ है ना, वो ऐसा माहौल देखा है कि जहां पर कंपनियां होली को आती है दिवाली को गायब हो जाती है। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब होली को कंपनी आती है दिवाली को कंपनियां गायब हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हट जाते हैं और हम भी ये समझते हैं कि शायद आप मार्केट के अंदर कोई ऐसी लीगल कंपनी नहीं है, कोई इथिकल कंपनी नहीं है जिसमें हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सकें क्या। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आज आप लोगों के लिए मार्केट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आज आपको लेकर यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आई है, ऐसी कंपनी है क्या, तो 100% है। उस कंपनी का नाम है नेटसब। और दोस्तों, इस नेटसब की मैं बात करता हूँ तो एक बार मैं चाहता हूँ, ये मेरे दिल तमन्ना है कि आप जहां पर बैठे एक बार वर्चुअल ताली नेटसब के लिए होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आज, तो एक मैं बात करूं एक ऐसी लीगल कंपनी, एक ऐसी इथिकल कंपनी जहां पर आज मैं बात करूं आप लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो लेकर गया, इसका पूरा नाम है नेटसब कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर सन 2000 से लगातार, मतलब 22 साल से लगातार ये रन कर रही है लगातार। और दोस्तों, आपको मैं बोलना चाहता हूं कि एक दुनिया के, मतलब हिंदुस्तान की अगर मैं विशेषकर बात करता हूं, तो आज हिंदुस्तान के अंदर पहली तो मैं बात बोलना चाहूंगा, कोई भी 22 साल तक कोई कंपनी टिकती नहीं है, और अगर कोई कंपनी टिक जाती है तो शायद उस कंपनी में कोई लीडर नहीं टिकता है। लेकिन हिंदुस्तान की एकमात्र इकलौती कंपनी जो यहाँ पर सन 2000 से लगातार 22 साल से लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को यहाँ पर उनका करियर यहाँ से बना रही है। अगर मैं बात करता हूँ जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो केवल, मतलब थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बोलना चाहूंगा, जब कंपनी की जब स्थापना हुई थी यहाँ पर केवल एक छोटे से एक वृक्ष के रूप में, यहाँ पर एक कंपनी के रूप में इस कंपनी को चालू किया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके इसके अंदर इसकी जो शाखाएं इसकी बढ़ती गई, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें बहुत सारी, मतलब जब स्टार्टिंग थी तो केवल नेटसब कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी, लेकिन आज ये कंपनी नेटसब ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जाना जाता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐड होती जा रही है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अजय बायोटेक में बात करता हूँ, यहाँ पर नेटसब एंटरटेनमेंट में बात करता हूँ, यहाँ पर नेटसब रिसर्च लैब बात करूंगा, यहाँ पर माई लैब जो आपने खूब देखा होगा अभी कोरोना के दौर में खूब चर्चित रहा था, खूब यहाँ पर मतलब पहला आरटीपीसीआर किट देने वाली मैं बात करूंगा, यहाँ पर तो ओहो के नाम से, यहाँ पर जो हमारा डेरियंट फूड बेवरेजेस के अंदर यहाँ पर जो हम इस पे काम करते हैं इस पर बात करता हूँ, वर्टिकल गार्डनिंग के अंदर, और जिस कंपनी का हम लोग हिस्सा है यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नेटसब नेटवर्क के नाम से। और अगर मैं बात करूं तो अभी इसके अंदर हर साल कोई ना कोई एक नई कंपनी एड होती है, मतलब ये वर्कशॉप बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ती जा रही है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए नेटसब के माध्यम से आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँ मैं बात करूंगा। तो पिछले 5 साल के अंदर थोड़ा देखो, आपको समझना जरूरी है कि जैसे अभी मैंने बोला कि क्या आप नेटसब के अंदर करियर बना सकते हो क्या, तो 100% आप नेटसब में करियर बना सकते हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि नेटसब पिछले 5 साल, और क्योंकि मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं नेटसब के अंदर हूँ, तो 5 साल के अंदर नेटसब किस तरह से ग्रोथ ले रहा है, नेटसब किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ सन 2016-17 के अंदर, मतलब वित्तीय वर्ष 16-17 के अंदर नेटसब ने 150 करोड़ का टर्नओवर किया, 17-18 में 177 करोड़ का टर्नओवर किया, और यहाँ पर 18-19 के अंदर 250, 19-20 के अंदर 325 और 20-21 के अंदर 411। और अगर मैं बात करता हूँ तो अभी लास्ट ईयर, मतलब गत वित्त वर्ष के अंदर नेटसब ने 2021-22 के अंदर 750 करोड़ का टर्नओवर करके एक अपना आपके अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नेटसब हर साल एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, नेटसब हर साल एक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं एनुअल स्पीड की बात करता हूं, एनुअल ग्रोथ की बात करूंगा, तो 52% के साथ नेटसब आगे बढ़ रहा है। और यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो कंपनी एक स्पीड के साथ, एक हर साल एक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती है, उस कंपनी का भविष्य बहुत सिक्योर रहता है। और मैं आपको विशेषकर बात करूंगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो कंपनी है, शायद आज कोई भी कंपनी हर साल ग्रोथ के साथ आगे नहीं बढ़ती है। अरे उन कंपनियों का भविष्य मैंने देखा है, उनका एक बार से टर्नओवर जाता है, अप जाता है, फिर डाउन जाता है, मतलब उनकी ग्रोथ अप डाउन चलती रहती है। तो ऐसी कंपनी का भविष्य सेफ नहीं रहता है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि नेटसब हर साल ग्रोथ ले रहा है, इसका मतलब नेटसब के अंदर आपका भविष्य बहुत सिक्योर है, आप यहाँ पर अपना भविष्य
बना सकते हैं। अगर आज हम नेटसब की बात करें, आज नेटसब 642 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 38,000 ब्लॉक्स के अंदर नेटसब अपना कारोबार फैला चुका है, मतलब इंडिया के कोने कोने में नेटसब का कारोबार फैल चुका है। और मैं बात करूंगा इंडिया में ही नहीं है, जहां पर हम बात करते हैं इंडिया के बाहर भी, विदेश की धरती पर भी नेटसब ने अपना कदम रखा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, वहां पर भी नेटसब अपना कारोबार चालू कर चुकी है, सिंगापुर के अंदर अपना इंटरनेशनल ऑफिस डाल चुकी है और थाईलैंड के अंदर भी अपना कारोबार चालू कर चुकी है। मतलब तीन कंट्री, और मैं बात करता हूँ 2025 तक नेटसब 20 से 22 कंट्री में अपना साम्राज्य फैला चुका होगा। माय डियर, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो नेटसब के अंदर क्या ऐसे लोग हैं क्या जो अपना फ्यूचर बना रहे हैं क्या, तो 100% यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर अपना फ्यूचर बना रहे हैं, जिनकी मैं बात करूंगा यहाँ पर। आज नेटसब के अंदर 80 लोग ऐसे जिनका कैप लगता है, और मैं बात करूंगा 120 लोग ऐसे जो आज करोड़पति लोग हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर जो 120 लोग जिन्होंने करोड़ रुपए यहाँ से बनाया। और मैं बात करता हूँ हाईएस्ट अर्नर, नेटसब के हाईएस्ट अर्नर मिस्टर विलास थोराट सर, इन्होंने 45 करोड़ के हाईएस्ट अर्नर हैं। और राजस्थान से अगर मैं बात करता हूं तो मेरे ही अपलाइन मेरे गुरु मिस्टर मुकेश चौधरी सर, जो उदयपुर से बिलोंग करते हैं, इनका एजुकेशन बहुत मतलब हाईली एजुकेटेड है, 9th पास व्यक्ति, आज यहां से 8 करोड़ रुपए कंपनी से ले चुके हैं। मैं एक बार चाहता हूं उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो थोड़ा मैं आगे बात करता हूं यहां पर, मतलब 500 लोग ऐसे यहाँ पर जो सीएमडी क्लब से ऊपर के, जिनका इनकम की अगर मैं बात करूँ उनका 2 लाख से प्रबंध करने का इनकम है। मैं बात करूँ 5,000 लोग ऐसे हैं जो ऑफ्स क्लब से ऊपर के हैं, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 9,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर स्टार क्लब से ऊपर के हैं, जिनका इनकम एवरेज पर मंथ 50,000 के आसपास रहता है। और यहाँ पर अनलिमिटेड ऐसे रिटेलर्स हैं जिन्होंने 10,000, 20,000, 25,000 आराम से पर मंथ वो रिटेलिंग के माध्यम से कमाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो 20,000 से भी ऊपर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई डोमेस्टिक टूर अचीव किया है। और मैं बात करता हूँ 5,000 लोग जहां पर अपना खुद का ड्रीम, मतलब खुद का ड्रीम, जहां पर मैं बात करूं हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कभी विदेश जाऊंगा क्या, अरे विदेशों की यात्रा भी यहाँ पर इन लोगों ने की है। और हजारों हजार लोग जिन्होंने खुद का गाड़ी, खुद का मकान ऐसा बनाया। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के, जो 22 साल से लगातार एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और जहां पर हजारों लाखों लोगों ने अपना करियर यहां से बना रहे हैं और आप भी बना सकते हो, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और यहां पर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी जो बात होती है, इस प्लेटफॉर्म को समझा, लेकिन किसी भी कंपनी को या किसी मार्केट में उस कंपनी को टिकने के लिए उसके प्रोडक्ट कैसे हैं उसके ऊपर भी विचार करना बहुत जरूरी है। मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट, और विशेष करके मैं बात करता हूं, क्या वो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है, क्या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही है क्या जो आम उपभोक्ता तक पहुंच सके और आम उपभोक्ता की नीड हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज नेटसब के पास वो क्वालिटी है, वो ताकत, इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि 24 कैरेट शुद्ध सोना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए। और अगर मैं बात करूं तो नेटसब 4 कैटेगरी में 5 कैटेगरी में काम करता है। पहला कैटेगरी में बोलूंगा यहाँ पर हमारा पर्सनल केयर को लेकर के, तो विटामिन थेरेपी के अंदर हमारे पास में 35 प्रोडक्ट्स हैं। हमारे नेचुरल मोर रेंज मतलब हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास 14 प्रोडक्ट्स हैं। मैं बात करता हूँ बायोफिट रेंज के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास में 11 प्रोडक्ट्स हैं। और मैं बात करूंगा रंगदे यानी कि कलर कॉस्मेटिक, हमारे पास में 4 प्रोडक्ट्स हैं। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर होम केयर रेंज के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मेरी इस बात को समझना कि नेटसब ये जो 5 कैटेगरी मैंने आपको दिखाई है इसको लेकर के आज 70 प्रोडक्ट्स नेटसब के पास में है। मतलब हर जेंड मोर की मैं बात करता हूँ पर्सनल केयर के लिए टोटल केमिकल फ्री, कोई भी किसी प्रकार का केमिकल इनके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ नेचुरल मोर जो रेंज हमारी हेल्थ को लेकर के, इसके अंदर हमारे पास जो मैंने बोला कि अभी 15 प्रोडक्ट हमारे पास में है, जो आपको मैं बोल सकता हूँ कि आज आपकी बॉडी को जो इसको आयुर्वेदा रेंज के अंदर जो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है, मतलब जो पोषक तत्व इस बॉडी को चाहिए, उन सब को मिला करके मैं बोल सकता हूँ कि आपका मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने रिजल्ट देखे हैं तो हेल्थ को लेकर के इनका उसमें बहुत सारे विटामिन, और मैं बोल सकता हूँ इसमें प्रोटीन, एलोवेरा और ओमेगा 3 DHA, ऐसे बहुत सारी चीजें इनके अंदर मिश्रण करके आप इस बॉडी के लिए तैयार की गई है, जहां पर आपकी बॉडी के जो बॉडी डिसऑर्डर में चली जाती है उनके ऊपर आपका पूरा पूरा वो काम करता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर बायोफिट रेंज के अंदर, जो मैंने बोला कि हमारा जो मैंने बोला कि जहर के विरुद्ध एक लड़ाई है नेटसब की, यानी कि बायोफिट रेंज के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं, जहां पर हमारे पास में अभी 11 प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम पर अभी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं बायोफिट रेंज के अंदर। मतलब आज जहर मुक्त खेती हम कैसे कर सकते हैं, उससे मतलब किसानों को जहर से बचाने के लिए हम बायोफिट रेंज जो हमारा ब्रांड नेम है उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। रंगदेज की मैं बात करूं कलर कॉस्मेटिक के अंदर, जो यहाँ पर महिलाओं के लिए, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इसमें 4 प्रोडक्ट हमारे पास में। ऐसे करके नेटसब 5 कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के अंदर नेटसब काम करता है। और अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो आप लोगों के लिए नेटसब के माध्यम से अभी अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट नेटसब अभी लॉन्च कर रहा है जो आपके गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक काम आएंगे। अगर मैं बोल सकता हूं तो आपके किचन से लेकर के आपके बाथरूम तक डेली आपके काम में आने वाले प्रोडक्ट नेटसब
आप लोगों के लिए लेकर के आया। मैं बात करता हूँ, आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर जो अभी इसका बिलिंग इसी साइकिल में स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, मतलब आपके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का ऑयल है तो पाउडर फॉर्म यहाँ पर फेस वॉश लेने लेकर के आने वाली पहली कंपनी। अगर मैं बात करता हूँ चेहरे को चमकाने के लिए, आपके पास फेस वॉश है जो पाउडर फॉर्म में है। और अगर मैं बात करूँ स्किन रिपेयरिंग करने के लिए, जो आपके यहाँ पर मृत त्वचा जो पाई जाती है उसको यहाँ पर रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास सीरम। अभी तक हमने सीरम देखा बालों के लिए, लेकिन स्किन को रिपेयरिंग करने के लिए भी सीरम अभी नेटसन ने लॉन्च किया है। और बालों को झड़ने की जो बात करूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है बालों को झड़ने को, और विशेषकर बात हमारी जो महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है। और विशेषकर कंघी करते पूरा कंघा जो है ना बालों से भर करके आता है, उनके बालों के रूट पे जाके काम करने के लिए अभी नेटसन ने सीरम लॉन्च किया है। तो 100% बहुत जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए होममेड साबुन, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर आपके बॉडी पे काम करने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर हर व्यक्ति की नीड, हर घर की नीड, हर इंसान की नीड है, जरूरत है, आज हर व्यक्ति चाय से परेशान है। और माय डियर, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, और सभी लोग और आपके आपके सोशल सर्कल में जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति चाय से छुटकारा पाना चाहता है, उन लोगों के लिए नेटसन ने 6 प्रकार की ग्रीन टी, आयुर्वेदिक मेडिसिन ग्रीन टी लॉन्च किया है। मतलब अभी आप देख पा रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए ग्रीन टी, मैं बात करूं यहाँ पर मेटा एनर्जी आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए ग्रीन टी, मैं बात करता हूँ लंग्स क्लियर, मतलब जैसे जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या बाहर जब बाजार में जाते हैं तो धूल है, धुआं है, जो गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है वो शरीर में जाता है, उससे होता है कि हमारा पूरा का श्वसन प्रक्रिया पूरी बाधित हो जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए लंग्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर ग्रीन टी है। बात करता हूँ ब्लड को प्यूरिफाई करने के, जैसे आपके ब्लड में किसी प्रकार का एलर्जी है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर ग्रीन टी है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ग्रीन टी है। अरे ऐसे करके 6 प्रकार की ग्रीन टी नेटसन ने आप लोगों को लॉन्च किया है। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कप सिर्फ आप देख पा रहे हो लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर ये दालचीनी है, इलायची है, पीपली है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजों से, यानी कि प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। अरे मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी जो दवा, ऐसी जो चीजें नेटसन ने जो लॉन्च की है, ये लोग मतलब मैं आपको बोल कार्टून भर भर के लोगों के पास में जाने वाला है। ऐसा प्रोडक्ट नेटसन के पास में है, एंटासिड, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, आपके डाइजेशन को प्रॉपर ठीक करने के लिए एंटासिड नाम करके सिर्फ अभी नेटसन ने लॉन्च किया है। और विशेषकर बायोफिट रेंज के अंदर अभी फसल के अंदर जो वायरल बीमारी आती है उनसे फसल को बचाने के लिए एंटीवायरल लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके यहाँ पर अभी नर्सम ये लॉन्च किया है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसानों की बहुत बड़ी समस्या होती है, उसका जो कचरा जो घास फूस जो खेत के अंदर होता है वो पूरे खेत को जो है खराब कर देता है। और आज को मैं बोलना चाहूंगा किसान ऐसा उस वेस्ट को पूरा को काट करके जब इसको डाल दे उसके ऊपर हमारा जो वेस्ट डीकम्पोजिंग जो आया है इसका स्प्रे उसको करेगा तो पूरे घास फूस को कल्चर कर देगा, मतलब उसको खाद में कन्वर्ट कर देगा। ये शानदार शानदार प्रोसेस आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं बात करता हूँ हर घर की जरूरत, मतलब हर घर की, घर घर की नहीं है, हर कमरे की जरूरत है। आप लोग मच्छर भगाने के लिए काला हीट, पता नहीं कौन कौन सी मेटिंग आप वो मेट लगाते हैं जिसकी वजह से श्वास में तकलीफ होती है, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बोना था मॉस्किटो ऑयल। अरे आपके घर में यहाँ पर डेली काम आएगा, आपके हर रूम में काम आएगा। ऐसे अच्छे मतलब जिससे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट नेटसन ने लॉन्च किए, मतलब 70 प्रोडक्ट पहले के हैं, और अगर मैं बात करूँ 28 नए प्रोडक्ट नेटसन ने भी आपको दिया, मतलब टोटल करीबन करीबन आपको 100 प्रोडक्ट के साथ आप नेटसन के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया तो 100% कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आज मैंने बोला कि 100% जैविक है, इन प्रोडक्ट की विशेषता क्या है थोड़ा उसको समझिए। मार्केट से हटकर के नेटसन ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको यहाँ पर जितने भी जो हमारे प्रोडक्ट है वो हमारे खुद के हैं, मतलब हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का R&D है। मैं बात करता हूँ हमारा खुद का ही ब्रांड है, मतलब नेटसन जो प्रोडक्ट मार्केट में उतारता है उसका ब्रांडिंग पहले करता है, उसका ब्रांड नेम जैसे मैंने बोला कि बायोफिट है, नेचुरा मोर है, ये हमारा ब्रांड नेम है। मैं बात करूंगा यहाँ पर हमारा खुद का IPR है। माय डियर, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, अभी जो मैंने आपको बोला कि 28 दिसंबर को जो कानून है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वही कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करेगी जो खुद का होगा, मतलब IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपका खुद का मालिकाना हक उसके ऊपर है क्या, नेटसन के सारे प्रोडक्ट्स IPR है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पर खुद का फॉर्मूला है जो हम खुद ही तैयार करते हैं। मैं बात करता हूँ हमारा खुद का जैविक और आयुर्वेदिक प्रोसेस नेटसन के पास, किसी प्रकार का उसमें केमिकल नहीं है, और नेटसन के प्रोडक्ट आज के समय की जरूरत है, आज के समय की जरूरत है, नीड है। और मैं बोलना चाहता हूँ नेटसन के प्रोडक्ट किसी ना किसी समस्या का समाधान है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करोगे कोई ना कोई आपकी बॉडी के ऊपर जाके वो काम करेगा, और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारे पास में, ये ताकत है नेटसन के प्रोडक्ट के पास में, मतलब 24 कैरेट शुद्ध सोना नेटसन आप लोगों के लिए लेकर के आया। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि नेटसन जैसे आप लोगों का जो एक्साइटमेंट जो देखने को मिल रहा है कि 100% अभी इस प्रोग्राम के अंदर करीबन 200 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के अंदर जो जोश यहाँ पर मेरी स्लाइड के ऊपर आपका जो चेहरा जो बता रहा है यस इस बिजनेस की शुरुआत तो करनी है, लेकिन करें क्या, आप ये इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाओ कि हमें करना क्या था। दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं
नेटसअप के रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर बन करके और 70 प्रोडक्ट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ये 70 जो है इसके अंदर आप 28 और एड ऑन कर दीजिए, मतलब 100 प्रोडक्ट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस नेटसअप आप लोग यहां पर लेकर क्या है, नेटसअप के रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। नेटसअप के रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर बनने की जो योग्यताएं हैं एज पर गवर्नमेंट रूल जो 28 दिसंबर को आया है, वहां पर आपका एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री में होगा। 1 रुपए का चार्ज वहां पर आपका लगने वाला नहीं है। आपको आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा, आपको यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा, और अगर मैं बात करता हूँ आपको मेल आईडी देनी पड़ेगी, साथ में आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मतलब सीखना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला है सीखना पड़ेगा, बिना सीखे काम चलने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ये सब करने के लिए 90 दिन का टाइम आपको मिलता है। आप अपना केवाईसी कंप्लीट करके और इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो, इस खूबसूरत बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं। और अगर इस बिजनेस की आप शुरुआत करते हो तो आपको करना क्या है, आपको जो इस हिंदुस्तान के अंदर 136 करोड़ की आबादी है, ये सभी के सभी नेटसअप के कंज्यूमर है। मतलब 136 करोड़ की आबादी यानी कि नेटसअप के हर एक व्यक्ति को नेटसअप के प्रोडक्ट की जरूरत है, नीड है, उन तक आपको पहुंचना है और पहुंच करके उनको नेटसअप का रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनाना है। उसके लिए आपका उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका पता आपको चाहिए। आप उसको रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनाओ और रजिस्टर्ड कंज्यूमर आप बनाते हो उस वहां पर आप उसका लॉग इन करके आप उसकी बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो। और मतलब क्या, नेटसअप की 100 प्रोडक्ट को आप 136 करोड़ की आबादी तक पहुंचाना है, ये हमारा काम रहेगा। और हम लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, पहुंचाते पहुंचाते जितना हम लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे उतना ही पैसा यानी कि उतना ही जो इनकम हमारे खाते में आना शुरू होगी। और उस इनकम की अगर मैं बात करूंगा तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपको 4 प्रकार की इनकम नेटसअप आपको देता है। पहला इनकम कौन सा, रिटेल इनकम। मेरी बात को आप गौर से सुनना, उन लोगों के लिए आप जो इस प्रोग्राम के अंदर आज पहली बार हम लोगों के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग पहले से ज्वाइन है तो आज हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के लास्ट के अंदर मैं आपको एक बहुत सुपर एक आपको एक ऐसा नॉलेज मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा कैरियर पथ मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आने वाला है। मतलब नेटसअप का बिजनेस प्लान क्या बोलता है, 4 प्रकार की इनकम नेटसअप आपको देता है। पहला इनकम है रिटेल इनकम, दूसरा इनकम आप बढ़ा करना चाहते हो नेटसअप का, आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि आप नेटवर्क बिल्ड करके भी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा इनकम आपको जनरेशन प्लान, और चौथा अगर मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पर नेटसअप टूल्स के माध्यम से भी आप बहुत बड़ी इनकम ले सकते हो। हम थोड़ा एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला इनकम आपका रिटेल इनकम, तो रिटेल इनकम आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप नेटसअप के रजिस्टर्ड डायरेक्टर बनकर के आप जो मैंने बोला कि हिंदुस्तान की 136 करोड़ की आबादी तक आपको पहुंचना है, उनको नेटसअप का रजिस्टर्ड ग्राहक बनाना है। और जब वो ग्राहक बनेंगे तो उनके माध्यम से आप जब बिलिंग कराएंगे हमारे स्टॉक पॉइंट से, उसके ऊपर हम बोलते हैं उसको ई कॉमर्स, वहां पर उस टर्नओवर के ऊपर आपको 10% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप खुद इनवॉइस काटते हैं तो वहां पर आपको B2C सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको 15% यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। यहाँ पर इस इनकम के ऊपर आपको TDS कटेगा। ये इनकम आपका रिटेल इनकम आपका अनलिमिटेड इनकम है, मतलब आप कितना भी कमा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 जो आपकी मर्जी है उतना कमाए, इसके आगे वाला फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद को सोचना है। और अगर मैं बात करता हूं ये 10% बेसिक रिटेल प्रॉफिट है, लेकिन नेटसअप ने इस क्वार्टर के अंदर एक आपको एक अच्छा बोनस अभी दिया हुआ है। इस बोनस का आप इस महीने में फायदा उठा सकते हैं। इस रिटेल बोनस की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो सेल अगर 5,000 से ऊपर का जाता है तो उसके ऊपर आप मतलब 5,000 तक आपको 10% मिलेगा, लेकिन 5,000 से ऊपर गया तो अगले 5,000 के ऊपर आपको 2% एडिशनल मिलेगा, और उसके बाद अगले 5,000 के ऊपर आपको 5% एडिशनल और मिलेगा। मतलब क्या, आप 15% तक का रिटेल प्रॉफिट ले सकते हो, रिटेल प्रॉफिट 15% तक का। इतना शानदार बोनस नेटसअप ने आप लोगों को यहाँ पर दिया है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ। मेरे पास में जैसे ललित जी हैं, और ललित जी यहाँ पर एज ए डायरेक्ट सेलर यहाँ पर ज्वाइन हुए, इन्होंने कंज्यूमर महीने में 10 दिन काम करके 10 लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया, और उनके माध्यम से इनके पास टोटल जो टर्नओवर आया, मतलब जीएसटी अलग करने के बाद जो टर्नओवर आया 1,21,500 का, इसके ऊपर इनका जो पेआउट जैसे कैलकुलेट होगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 1,21,000 के ऊपर कैसे पेआउट कैलकुलेट होगा, तो पहला जो 5,000 उसके ऊपर 10% रिटेल प्रॉफिट, मतलब 500 रुपए का चेक उनका बना। अगला 5,000 का चेक, मतलब उसके बाद 10% बेसिक और 2% उसमें एडिशनल बोनस, 12% हिसाब से इनका 600 रुपए का चेक बना। और उसके बाद जो बचा हुआ टर्नओवर है 1,11,500 रुपए का, उसके ऊपर 10% बेसिक, 5% उसका एडिशनल बोनस, मतलब 15% के हिसाब से 16,750 का टोटल इनका पेआउट बनता है 17,825 रुपए का। माय डियर सोचिए, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है रिटेल प्रॉफिट। इसमें कोई लेग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपकी ताकत के अनुसार आप कितना पैसा आप यहां से बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ताकत है नेटसअप के रिटेल प्रॉफिट के अंदर।
बहुत बड़ी इनकम है, थोड़ा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगर आप और कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपका वो जज्बा है कि मैंने अभी बोला कि आप अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हो, आपकी ताकत है कि आपके पास बहुत सारा सोशल सर्किल में आपके लोग हैं, तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो और नेटवर्क बिल्ड करके आप दो टीमें आप यहाँ से बना सकते हो। दोनों टीमों के माध्यम से जो आपका टर्नओवर आएगा उसके ऊपर आपको 3-3% बेसिक कमीशन मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी टीम बढ़ेगी उसके ऊपर आपको 4-4% मिलेगा, फिर आपकी टीम बढ़ेगी आपका प्रमोशन होगा यहाँ पर आपको 5-5%, और फिर लास्ट आपको 6-6%, मतलब दोनों टीमों से आप 6-6% तक का नेटवर्क कमीशन आप यहां से ले सकते हो। यानी कि आपकी दोनों टीमों के माध्यम से भी आप बहुत बड़ी इनकम आप इस रिटेल प्रॉफिट के अलावा भी ले सकते हो। और इसकी अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपकी दो टीम बनती है, सपोज करो ए टीम के अंदर आप यहां पर 10 लोग हैं काम करने वाले, 50 कंज्यूमर को ज्वाइन किया, 4.5 लाख का टर्नओवर आया, दूसरी टीम के अंदर आपके पास 5 लोग हैं काम करने वाले और वहां पर 45 कंज्यूमर ज्वाइन होते हैं, 4 लाख का टर्नओवर वहां पर आता है, तो 4 और 4 यहां पर इसकी मैचिंग होती है, 50,000 आपका कैरी फॉरवर्ड होता है और 4 और 4 की जो मैचिंग होती है मतलब 8 लाख के ऊपर आपको 3% के हिसाब से 24,000 रुपए का चेक ही भी बनता है, 24,000। और पहले मैंने आपको दिखाया 17,000 का रिटेल प्रॉफिट, और सोचिए कितना बड़ा इनकम आप यहां से ले सकते हैं। और इस इनकम की अगर मैं बात करूं तो हर 15 दिन से आपको ये इनकम मिलेगी, हर 15 दिन से, मतलब महीने में 2 साइकिल होते हैं, चेक के द्वारा या एनईएफटी द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 15 दिन में आप एज पर गवर्नमेंट रूल जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा और आप उसके अनुसार जो टीडीएस कट उसका सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर आपके साइड के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है, हर क्वार्टर में आप उसको निकाल सकते हैं। 15 दिन का आप हाईएस्ट इनकम आप यहां से 8,19,250 ले सकते हो। और अगर मैं बात करता हूं तो पूरे महीने भर में एक डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट पर आप 16,38,500 की हाईएस्ट इनकम आप यहां से ले सकते हो। मैं अगर इस इनकम की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग इसको सुनकर के शायद उनका सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं आज यहां पर, मैंने बोला कि 120 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ 16 लाख लेते हैं, और हमारे मुकेश सर राजस्थान से ऐसे हैं जो मेरे गुरु हैं, इनका आज पर मंथ 16 लाख का इनकम आता है। बहुत बड़ी ताकत है माय डियर, बहुत बड़ी ताकत है, एक बार अगेन मुकेश सर की ताली होनी चाहिए। तो आज आप लोग भी यहां पर इस इनकम को ले सकते हैं। मैं बात करूंगा यहां पर आपको फैमिली प्रोडक्शन प्लान, मतलब 25 लाख तक आपका यहां पर, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी को इंश्योरेंस होता है वहां पर आपका कंपनी बीमा करवा के देती है, और अगर आपने 15 साल इस कंपनी में काम किया तो 10 लाख रुपए का लॉयल्टी बोनस कंपनी तरफ से आपको दिया जाता है। तो ये ताकत इस बिजनेस के अंदर। और अगर मैं बात करूं तीसरा इनकम को लेकर के, तो बहुत प्यारी इनकम है जहां पर मैं बात करूंगा, यहां पर उसको हम बोलते हैं नेट्स ऑफ रिटेल प्लान, मतलब जहां पर एक जनरेशन इनकम के माध्यम से भी आप यहां इनकम को ले सकते हैं। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैंने यहां पर ए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, एक व्यक्ति को मैंने ज्वाइन करवाया यानी कि वो मेरा पहला जनरेशन है, उसने बी को ज्वाइन करवाया तो उसका पहला जनरेशन, मेरा सेकंड जनरेशन, ऐसे 7 जनरेशन तक मेरा पहला जनरेशन जो टर्नओवर करेगा, मतलब जो मैंने आपको नए वाले जो प्रोडक्ट अभी आपको बताए हैं जो नेट सब ने लॉन्च किए हैं वो इसी प्लान के अंदर आने वाले हैं। अगर उसके माध्यम से वो प्रोडक्ट सेल होता है तो उस मेरे पहले जनरेशन के ऊपर मुझे 5% कमीशन मिलेगा, दूसरे के ऊपर 2% मिलेगा, तीसरे के ऊपर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे करके 7 जनरेशन तक हमें ये इनकम मिलने का मौका इस रिटेल प्लान के माध्यम से मिलेगा। मैं आपको माय डियर बोलना चाहता हूं, यहां पर कोई भी टीम नहीं है, कोई भी आपका एक लेग कोई दो लेग नहीं है, बिना सिंगल के भी आपको, यानी कि आपको करना क्या है, आपका ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके ऊपर आप बहुत प्यारी और बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ पर ले सकते हो। अनलिमिटेड इनकम है इसमें, महीना 16 लाख की कैपिंग नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा 16,000, 16 लाख और 16 आगे और नाम क्या आता है, मतलब 16 करोड़ आप तब ले सकते हैं, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सब लेने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और एक्टिव एडवाइजर बनने के लिए आपको हर महीना 1,000 रुपए का चेक आप, यानी कि 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको रिटेल करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्टिव डायरेक्टर यहाँ पर रह पाएंगे। लेकिन मेरी बात यहाँ पर नहीं है, नेटसअप का और प्लान की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूँ, आज से ठीक 5 साल पहले मैंने कोर्ट को छोड़ा, मेरा खुद के मेरे प्रोफेशन को छोड़ करके मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। मतलब इसी बिजनेस को, यानी कि मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं इस बिजनेस को दे करके जाऊँ, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। और आज मैं बात करता हूँ, आज से मैं दुनिया से चला गया, मुझे पता है कि मेरा परिवार पूरा प्रॉब्लम आ सकता है, मेरी वाइफ कोर्ट के अंदर जाकर के वकालत नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कि आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफर होता है, और जो आज मुझे इनकम मिलती है 3-3.5 लाख रुपए महीना मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों मैं आपको कह सकता हूं कि कभी भी मेरा परिवार जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नेटसअप के अंदर जो आज रेगुलर इस इनकम को लेता है, उनकी अगर मैं बात करता हूं, यानी कि नेटसअप क्या है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, बहुत सारे लोग हैं तो आज इस इनकम को लेते हैं। मैं बात करूं मिस्टर रफीक सेजी, आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने सन 2000 के अंदर काम चालू किया था, 2011-12 में इनका डेथ हुआ, और उसके बाद हमारे जो भाभी जी हैं इनके नाम से पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हुआ, और आज हमारे भाभी जी को 18 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से मिल चुके हैं। माय डियर 18 करोड़ की बात कर रहा हूं, 18 करोड़। और यार सोचिए कि दुनिया में ऐसा कोई नौकरी है, ऐसा कोई व्यापार है, अगर है तो आप मुझे बताओ कि हस्बैंड चला गया हो और उसके बाद उसकी वाइफ को घर में 18 करोड़ रुपए आए हों, तो मैं सब कुछ छोड़ करके आने के लिए, मतलब आपके साथ आने के लिए तैयार हूं।
दोस्तों ये बिजनेस की ताकत है जो आज हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि नेटसअप के बिजनेस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि आने वाली पीढ़ियां यानी कि यही बिजनेस करेगा आपका और मेरा नेक्स्ट जनरेशन। आज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि 100% आप अपना करियर यहाँ से बनाएं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर अभी नहीं है तो आप ई टेलर के माध्यम से अपनी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसका एनरोलमेंट फ्री है, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जीएसटी नंबर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये सब आप करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो केवल 10% रिटेल प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलता है। जिस दिन आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर अपडेट कर देते हैं आपको डायरेक्ट सेलर के सारे बेनिफिट यानी कि अब से पहले जो मैंने बताया वो सारे बेनिफिट आपको चालू हो जाएंगे। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने नेटसअप का बिजनेस प्लान को आपने समझा, लेकिन ये सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये अर्निंग करने के लिए आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, अनुभव नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। और मैं आपको बोला, मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम करती हैं जिनका ट्रेनिंग सिस्टम मैं देखता हूं, उनको मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से मैं समझता हूं, तो बहुत पुअर है। लेकिन नेटसअप के अंदर इस ट्रेनिंग सिस्टम को बहुत प्यारा सिस्टम तो नेटसअप आप लोगों के लिए लेकर के आया है। ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम की मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि जहां पर एक रुपए भी की आपकी लागत होती नहीं है, मतलब नेटसअप की तरफ से आपको निःशुल्क दिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है यहां पर गुरुकुल ट्रेनिंग, मतलब आपको करना क्या, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको गुरुकुल ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। यानी कि महीने के अंदर आपको 2000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट का आपको चेक लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 दिन तक हम ऑनलाइन गुरुकुल ट्रेनिंग, हमारे ट्रेनर्स आपको अलग अलग ट्रेनिंग देंगे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, काम को कैसे करना है, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार के अंदर आप लोग अपने लोगों को लेकर आ सकते हैं, वहां पर आप जो हमारे स्पीकर आते हैं आपको बहुत सारी बातें उसमें आपको सिखाते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन वेबिनार, आज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस बिजनेस को लेकर के, हर दिन हमारा कंज्यूमर बेस हमारा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स जो आते हैं उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी जो यहाँ पर डायरेक्ट सेलर बनते हैं, फ्रेश डायरेक्ट सेलर मीट यहाँ पर होता है, उनको लेकर हम बात करते हैं, उनका ट्रेनिंग को लेकर के। तो यहाँ पर LDP प्रोग्राम, मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ पर होते रहता है। सुपर ट्रेक का मैं बोलता हूँ, यहाँ पर सुपर ट्रेक एक टूल है नेटसअप का जिसके माध्यम से आपको अलग अलग लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर मैं बात करूँ फास्ट ट्रेक में, जब आप आते हो तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर के, आपके बिजनेस को डेवलपमेंट को लेकर के आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और मेंटोरों के द्वारा मेंटोरिंग, आपके MCM के द्वारा आपकी मेंटोरिंग, हमारे मैनेजर्स के द्वारा आपके मेंटोरिंग, आपकी टीम को यहाँ पर डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग मॉडल नेटसअप की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे मैंने अभी बोला कि सुपर ट्रेक आपको करना क्या है, सुपर ट्रेक के माध्यम से आप ट्रेनिंग का जो मॉडल होता है वहां पर करना क्या है, इसके 3 लेवल होते हैं। तीनों लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो पहले लेवल पर आपको 3000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट का चेक अगर आप बनाते हो तो 3000 का रिटेल प्रॉफिट का चेक लेकर के आप इस सुपर ट्रेक में आ सकते हो, जहां पर आपको बेसिक जो आपका जो कमीशन बना 3000 का वो मिला, लेकिन सुपर ट्रेक में आने की वजह से आपको यहाँ पर 1000 रुपए का एडिशनल चेक आपका यहाँ पर बनता है। और अगले महीने आपको यहाँ पर 4500 का चेक बनाना है, उसमें आपको 1500 का बोनस मिलेगा। और उसके अगले महीने आपको 6000 का रिटेल प्रॉफिट का चेक लेना, वहां पर आपको 2000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट का आपको चेक यहाँ से 2000 का आपको यहाँ पर एंट्री बोनस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाती है जयपुर के अंदर, 1 दिन का 1 डे का ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें खाना पीना, खाने से मतलब खाना और पीने से मतलब पानी, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ तो जब आप पैसा भी कमाते हो, आप अपनी पर्सनलिटी को डेवलप करते हो, तो नेटसअप बोलता है कि हम आपको बहुत मस्ती भी देते हैं। और मस्ती की अगर मैं बात करता हूँ, पैसा एंजॉयमेंट हम आपको देते हैं जिसका नाम है क्लब नेटसअप, मतलब हर 3 महीने पर कोई क्लब नेटसअप आता है जिसकी वजह से आप अपने टारगेट पूरे करते हो, एक टारगेट नेटसअप आपको देता है, उस टारगेट को पूरा करके आप उस जगह पर जाकर के आप इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पैसा भी कमाओ और मस्ती भी करो। तो इस बार का जो हमारा क्लब नेटसअप वो अप्रैल मई जून 2022 3 महीने का हमारा क्लब नेटसअप था, जिसकी अगर मैं बात करता हूँ तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है क्रूज, और क्रूज में जाने का हर व्यक्ति एक ड्रीम देखता है, लेकिन शायद किसी का पूरा नहीं होता। और इसमें जाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत सारी यहाँ पर पूंजी देनी पड़ती है, फिर भी बहुत सारे लोग ये ड्रीम सपना सपना बन के रह जाता है। ये आप देख पा रहे हैं क्रूज, ये 15 मंजिल ऊंचा है, ऊपर स्विमिंग पूल है, बहुत सारे ऐसे आराम, इसके अंदर 15 होटल्स हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नेटसअप ने इस बार इसको लॉन्च किया है, इसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस क्रूज के अंदर जाने के लिए आप जाओगे तो यहाँ पर आपके रूम है, आपके यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर आपको 2 रात और 3 दिन तक रुकने का, इस इंजॉय करने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। आप जबरदस्त इसमें इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 24 घंटा रेगुलर आपको यहाँ पर खाना मिलने वाला है। आपकी जब इच्छा हो तब आप यहाँ पर खाना खाएं, आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और ये एंजॉय करने के लिए आपको करना क्या है, अप्रैल मई जून, अप्रैल जा चुका है, मई का महीना भी चल रहा है, हमारा साइकिल 7 तारीख तक हमारा साइकिल है। आप मई और जून के महीने में आपको 25,000 रुपए का, मात्र 25,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट का चेक लेकर के
आप इस क्रूज को एंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि आपकी वाइफ को साथ में लेके जाना, आप चाहते हो कि आप अपने हस्बैंड को साथ में लेके जाना, तो आपको यहाँ पर 45,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट का चेक आपको बनाना है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर जो लोग टर्नओवर से जाना चाहते हैं, उनको 5-5 लाख का टर्नओवर है, दोनों टीमों से 5-5 लाख का टर्नओवर आपको डालना है और आप इस क्रूज को एंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये सब करने के लिए नेटसब ने इस बार एक जबरदस्त कंज्यूमर के लिए एक ऑफर दिया, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 25% का डिस्काउंट नेटसब उनके लिए लेकर के आइए। आप लोग इस डिस्काउंट के माध्यम से अपने कंज्यूमर्स को ज्वाइन करके और आप अपने टारगेट पूरा करके इस क्रूज को आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा आप यहां से बना सकते हैं। और अगर मैं बात करना चाहूंगा तो नेटसब के करियर की शुरुआत, मैं आपको एक संक्षिप्त सारणी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि नेटसब का जो करियर की जो शुरुआत होती है, आप गुरुकुल ट्रेनिंग का हिस्सा बने, गुरुकुल ट्रेनिंग के अंदर आप आते तो आपका 600 लेकर के 2000 रुपए का आपका चेक यहाँ पर बनेगा। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको सुपर ट्रे का लेवल 1 अचीव करना है, उसमें आपको यहाँ पर करीबन 3-5 हजार रुपए का आपको यहाँ पर चेक बनता है। आपको लेवल 2 अचीव करें, आप यहाँ पर लेवल 3 अचीव करें और उसके बाद हमारा जो फास्ट ट्रेक का जो आप हिस्सा बने उसमें एग्जीक्यूशन 1, E1, E2, C1, C2 मतलब कोर 1, कोर 2 और यहाँ पर प्री प्रेसिडेंट, और मैं बात करता हूँ यहाँ पर सफायर, और बात करता हूँ यहाँ पर प्लेटिनियम, डायमंड और डबल डायमंड, और लास्ट जिसके मैं बात करता हूँ कैपिंग तक आप पहुंचे, मतलब 8-19-250 तक। इसके माध्यम से 14 पड़ाव जो मैंने आपको बताया, इस पड़ाव को पार करते 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 आप अपना करियर यहां से बना सकते हैं। माय डियर, ये नेटसब का एक करियर पथ जो मैंने आपको दिखाया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई 60 लाख रुपए है, कोई 70 लाख रुपए है, कोई 50 लाख रुपए, कोई 40, मतलब हर महीने चार पांच लाख रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कर सकते हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसा करियर बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल सब फ्री होते हैं, ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसका हिस्सा बने, अपने लोगों का इसका आप हिस्सा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम का आप फायदा लें, अपने लोगों को अपने बिजनेस के माध्यम से यहाँ पर इसको ज्वाइन करा सकते हैं। ऐसा करके जो मैंने आपको बताया कि ऐसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, 100% आप इसका फायदा लेकर के और अपना करियर आप यहाँ से बना सकते हैं।